everyone, welcome back. Hope you are doing good. In today's video, we are going to tackle some previous year question papers of the topic Interface Python with MySQL. But before we jump into the questions, let's talk about the distribution of the marks. Total 5 marks are allotted to this topic. Here is the breakdown. We have got one question carrying 1 mark in the section A, and there will be one question in the section D for 3 marks or 4 marks. Keep in mind, there may be a slight variation in the distribution of the questions and marks, but this is the general pattern. It takes lot of effort to make such videos, so please subscribe to the channel to support me. Alright then, without further delay, let's get started. Beginning the session with the section A, where you will be getting one question for 1 mark. Let's read the first question. हमें पाइथन और एसक्यूएल के बीच में जब कनेक्शन क्रिएट करना होता है, हम यूज करते हैं कनेक्ट फंक्शन का। और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कनेक्ट फंक्शन में कौन सा पैरामीटर ऑप्शनल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। डेटाबेस अगर हम नहीं भी स्पेसिफाई करते हैं तो भी ये कमांड वर्क होती है। अगर हमें स्पेसिफिक टेबल पे वर्क करना है तब हमें ये डेटाबेस पैरामीटर मेंशन करना होता है, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेच ऑल फंक्शन का यूज करते हुए हम सारे रिकॉर्ड्स फेच कर सकते हैं। हमें ये बताना है कि फेच ऑल फंक्शन रिजल्ट किस फॉर्म में देता है। इसका करेक्ट आंसर है लिस्ट ऑफ टपल्स। ये हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा विद दिस एग्जांपल। हमने फेच ऑल फंक्शन का यूज किया है। इंडिविजुअल रिकॉर्ड तो हमें मिल रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, लेकिन एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं तो हमें वो लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्मेट में मिल रहे होंगे। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें पाइथन फंक्शन बताना है विच इज यूज टू डिस्प्ले ओनली वन रिजल्ट सेट फ्रॉम द एसक्यूएल टेबल। फेच वन ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, फेच नो भी नहीं है, फेच ऑल से सारे रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन है फेच वन। फेच वन से हमें सिंगल रिकॉर्ड मिल रहा होगा। रिजल्ट सेट फेच करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं, फेच ऑल, फेच वन और फेच मेनी। सिंगल रिजल्ट सेट फेच करने के लिए वी यूज फेच वन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द फेच फंक्शंस। वी हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन फेच वन एंड द फेच ऑल मेथड। सो हियर इज द डिफरेंस। फेच ऑल फेचेस ऑल द रोज। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो हमें एम्प्टी लिस्ट मिल रही होगी, क्योंकि फेच ऑल से हमें लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्मेट में रिजल्ट मिलता है। फेच वन फंक्शन से हमें सिंगल रो मिल रही होगी। अगर रिकॉर्ड्स नहीं है तो इट विल रिटर्न नन। हमें सुटेबल एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करना है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एक क्वेरी कंसिडर की है, दैट इज सिलेक्ट क्वेरी। जब हम फेच ऑल करेंगे तो हमें इस तरह का लिस्ट ऑफ टपल्स का आउटपुट मिल रहा होगा, और जब हम यूज करते हैं फेच वन तो हमें सिंगल रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ टपल मिल रहा होगा। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है इन द सैम्पल पेपर। There is one more question for 2 marks. Let's check out. There is a table named passenger और ये records passenger table में store है। Code से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने connection तो कर लिया है। Use travel से हम database को भी select कर रहे हैं, और select query का use करते हुए हम fetch all command से सारे records extract कर रहे हैं, जिसे हम for loop से 1 by 1 print कर रहे होंगे। जब हम रिकॉर्ड 1 by 1 प्रिंट करते हैं तो हमें वो इन द फॉर्म ऑफ टपल मिल रहे होंगे। लेट्स कंसीडर द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ टपल। टपल का फर्स्ट एट्रीब्यूट है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड एट्रीब्यूट है सेकेंड कॉलम, दिस इज द थर्ड एट्रीब्यूट एंड दिस इज द फोर्थ एट्रीब्यूट। यूजिंग फॉर लूप हम रो बाय रो जनरली रिकॉर्ड्स प्रिंट करते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट स्टेटमेंट देखते हैं तो हम कंप्लीट रो प्रिंट नहीं कर रहे हैं। यूजिंग इंडेक्सिंग हम उसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा है उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह फर्स्ट रो का नेम प्रिंट हो रहा होगा, सेकेंड रो का नेम एंड थर्ड रो का नेम, तो हमें कुछ इस तरह का फाइनल आउटपुट मिल रहा होगा। सो इन दिस वे वी कवर्ड सम 1 mark एज वेल एज सम 2 marks क्वेश्चंस। Now it's time to check out the questions from the section D. You will be getting one question which may be for 3 marks, 4 marks, or even it can be for 5 marks. Let's check out the first question. Question ko attempt karne se pehle use carefully read karna hai. Kabir ko program likhna hai to insert data into the table. Table name is student and here are the fields of the table.
कनेक्टिविटी के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड है। ये 3 पैरामीटर्स है फॉर द कनेक्ट फंक्शन, और 4th पैरामीटर तो हमारा डेटाबेस नेम होगा। जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे हमें ये डेटा यूजर से इनपुट लेना है। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द रिसेंट सैम्पल पेपर, इट इज फॉर 4 मार्क्स। लेट्स चेक आउट द कोडिंग। उसके पहले आपको स्टेप्स याद रखने हैं कनेक्टिविटी हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है mysql.connector, फिर हम कनेक्ट फंक्शन का यूज करते हुए कनेक्टिविटी कर रहे होंगे। थर्ड स्टेप में हम क्रिएट करेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट जो हमारी रिक्वेस्ट डेटाबेस के पास लेके जाएगा। आफ्टर दैट जो भी क्वेरी होगी उसे हम एग्जीक्यूट फंक्शन से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। फाइनली हम कनेक्शन को क्लोज करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है और आप स्टेप्स रिकॉल नहीं कर पा रहे, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू वॉच दिस वीडियो बिफोर ट्राइंग दिस क्वेश्चंस, जिसमें हमने सारे कंसेप्ट इन अ इजी मैनर कवर किए हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस कोड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमें ये पैकेज इंपोर्ट करना है mysql.connector, जिसे हमने एलियस दे दिया है mysql। सेकेंड स्टेप में हमें ओपन करना है कनेक्शन टू द डेटाबेस जो हम करते हैं कनेक्ट फंक्शन के साथ। ये उसका फर्स्ट पैरामीटर है, दिस इज द सेकेंड पैरामीटर, एंड हियर वी हैव द थर्ड पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर में हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं। क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है तो हमने कुछ भी रैंडम दे दिया है, आपको जो चाहिए आप वो देख सकते हैं। लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड स्टेप। हमें कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करना है यूजिंग कर्सर फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी फील्ड्स है वो हमें यूजर से इनपुट लेना है, इसलिए हमने इनपुट फंक्शन का यूज कर लिया है। रोल नंबर को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है और फीस को फ्लोट में। 3 स्टेप्स तो कंप्लीट हो गई है। द फोर्थ स्टेप इज एग्जीक्यूट अ क्वेरी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्वेरी लिखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हमने इंसर्ट इनटू क्वेरी का यूज कर लिया है। इंसर्ट इनटू द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट। उसके बाद हमें लिखना है वैल्यूज कीवर्ड। हमने यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया है जिसमें यूजर से इनपुट वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर लिखना है। जब भी हम प्लेस होल्डर लिखते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज को हमें सिंगल कोट में एनक्लोज करना होता है। नेम स्ट्रिंग है और डेट ऑफ बर्थ भी स्ट्रिंग ही है। क्वेरी डिजाइन होने के बाद उसे हम एग्जीक्यूट फंक्शन से एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गई। जो भी मॉडिफिकेशंस हम करते हैं वो अगर टेबल पे हमें अप्लाई करना है परमानेंटली तो हमें कमिट फंक्शन का यूज करना होता है। इसके साथ हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है। अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेप पे। जो भी कनेक्शन हमने क्रिएट किया था वो हमें क्लोज करना है। ये हमारी है लास्ट स्टेप। तो इस तरह का कोड हम लिख रहे होंगे। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमें फाइल हैंडलिंग में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना होता है, इसी तरह के क्वेश्चंस हमें कनेक्टिविटी पे भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए। इफ यू नो ऑल द स्टेप्स फॉर द कनेक्टिविटी दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सॉल्व। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कनेक्शन ओपन किया है विद द वेरिएबल con1। हम कर्सर फंक्शन का यूज करते हुए कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। लेट्स चेक आउट सेकेंड स्टेटमेंट में हमें क्या करना है। टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। इंसर्ट क्वेरी हमने इस क्वेरी नाम के वेरिएबल में क्रिएट कर ली है, अब हमें उसे एग्जीक्यूट करना है। कर्सर ही हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो हमें यूज करना है माई कर्सर जिसमें हमने कर्सर इंस्टेंस क्रिएट किया है। हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट फंक्शन का एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल इज क्वेरी। तो इस तरह की कमांड हमें लिखना है। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट। टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। जब भी हम DML कमांड जैसे अपडेट, इंसर्ट या फिर डिलीट यूज करते हैं हमें कमिट फंक्शन अप्लाई करना होता है जिससे डेटा परमानेंटली अफेक्ट होता है। हमने यहाँ पे इंसर्ट कमांड यूज किया है तो हमें कमिट फंक्शन यूज करना होगा अलोंग विद कनेक्शन। सो con.commit, इससे डेटा परमानेंटली इंसर्ट हो जाएगा। सो हियर आर द आंसर्स। आपको इस तरह आंसर्स लिखना है। होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कनेक्टिविटी के स्टेप्स एज वेल एज mysql के कुछ सिंपल कमांड्स तो क्लियर होने ही चाहिए। अगर आपको mysql में डाउट है तो इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज आप इसे जरूर चेक कीजिए।
सेम क्वेश्चन का और पार्ट भी है, इसे चेक कर लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करके इसे जरूर ट्राई कीजिए। होप आपने इसे जरूर ट्राई किया होगा। लेट्स चेक आउट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कर्सर ऑब्जेक्ट को फॉर्म करना है। कनेक्शन हमने क्रिएट किया है विद द कॉन वेरिएबल और कर्सर फंक्शन का यूज करते हुए हम कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। व्हाट्स द स्टेटमेंट टू टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन 75। हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करना है और क्वेरी लिखना भी है। कर्सर बनाया है माय कर्सर नाम के वेरिएबल में, तो उसे हमें यूज करना है। फिर हम लिख रहे होंगे एग्जीक्यूट फंक्शन। एग्जीक्यूट फंक्शन में हमें क्वेरी प्रोवाइड करनी है। क्वेरी कुछ इस तरह होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट, तो हम उसे मेंशन कर लेंगे। व्हाट्स द कंडीशन, जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 75 हो। वेयर क्लॉज के साथ हम कंडीशन लिख रहे होंगे, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75। नाउ लेट्स चेक आउट स्टेटमेंट 3 टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। कंप्लीट रिजल्ट कहाँ है, मतलब हमें फेच ऑल फंक्शन का यूज करना होगा। तो हम कुछ इस तरह लिख रहे होंगे, माय कर्सर डॉट फेच ऑल, जिससे हमें सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। सो हियर आर द आंसर्स फॉर ऑल दी स्टेटमेंट्स। क्वेरी हम डबल कोट, सिंगल कोट या फिर ट्रिपल कोट्स में लिख रहे होंगे। जनरली हम ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं, आप इसे सिंगल कोट या डबल कोट में भी लिख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड एंड चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो ऑफ सिमिलर पैटर्न। इफ यू नो द आंसर पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। होप आपने इसे जरूर ट्राई किया होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें इम्पोर्ट करना है डिजायर लाइब्रेरी। हम mysql.connector को इम्पोर्ट कर रहे हैं। व्हाट्स द स्टेटमेंट टू, हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है और कमांड है डिलीट कमांड, जिसमें हमें डिलीट करना है रिकॉर्ड विद द ई कोड एज e101। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और क्वेरी होगी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड इक्वल्स टू e101। नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट द थर्ड स्टेटमेंट टू डिलीट रिकॉर्ड परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस। हम यहाँ पे डिलीट कमांड का यूज कर रहे हैं, तो हमें चेंजेस अगर परमानेंटली स्टोर करने हैं डेटाबेस में तो हमें कमिट फंक्शन का यूज करना होगा। और कमिट कमांड हम यूज करते हैं विद द वेरिएबल जिससे हमने कनेक्शन ओपन किया है, तो वो होगा mydb.commit। सो हियर आर द आंसर्स फॉर ऑल थ्री स्टेटमेंट्स। क्वेरी को हमने ट्रिपल कोट्स में इनक्लोज किया है क्योंकि ई कोड एक स्ट्रिंग फील्ड है, सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन बिटवीन द कोट्स। होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इट इज क्वाइट सिंपल। प्रैक्टिस के लिए हम और एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं, विच इज फॉर 5 मार्क्स। लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन ए। कंप्लीट स्टेटमेंट 1 टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द डेटाबेस। यहाँ पे पासवर्ड मिसिंग है और मेंशन पासवर्ड है टाइगर, तो हमें यहाँ पे टाइगर लिखना है। व्हाट्स द क्वेश्चन बी। राइट स्टेटमेंट 2 टू क्रिएट कर्सर ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है हम कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है con1.cursor। व्हाट्स द क्वेश्चन सी। कंप्लीट स्टेटमेंट 3 टू रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल आइटम बेस्ड ऑन द आइटम नेम एंटर बाय द यूजर। यूजर से हमने आइटम नेम ले लिया है जो हमने स्टोर कर लिया है आइटम नेम नाम के वेरिएबल में। अब हमें उसे डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो क्वेरी कुछ इस तरह होगी, डिलीट फ्रॉम आइटम। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें दिया है टेबल का नाम विच इज आइटम, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वेयर आई नेम, आई नेम ये फील्ड नेम है फ्रॉम द आइटम टेबल जिसमें हमें आइटम नेम मिल रहा होगा। हमने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर रख दिया है जिसमें हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो हमने यूजर से ली है। फॉर्मेट फंक्शन का यूज करते हुए हमने वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी है जो हमने यूजर से ली हुई है। नाउ लेट्स रीड द लास्ट क्वेश्चन। कंप्लीट स्टेटमेंट 4 टू सेव द चेंजेस इन द टेबल। चेंजेस परमानेंटली सेव करने के लिए हम यूज करते हैं कमिट फंक्शन। सो हियर आर द आंसर्स फॉर ऑल 4 स्टेटमेंट्स। होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। जब भी हम प्लेस होल्डर का यूज करते हैं हमें सिंगल कोट मेंशन करना है अगर फील्ड स्ट्रिंग है तो। Here is the or part of the same question. Now you can solve this type of questions easily. Before I show the answers, solve it yourself. Hope आपने इसे जरूर try किया होगा. You can cross check with these answers.
आई थिंक देर इज़ नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, यू विल गेट इट ईजीली. फर्स्ट लाइन में हमने अप्रोप्रिएट मॉड्यूल इम्पोर्ट कर लिया है, सेकेंड लाइन में हम कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, थर्ड लाइन में हम डिस्प्ले कर रहे हैं डिटेल्स ऑफ द आइटम फ्रॉम द आइटम टेबल वेयर प्राइज इज ग्रेटर देन 5000, और फोर्थ लाइन से हम सभी रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. And that's all for today's video. In this way, we have successfully completed the entire portion, including all the chapters and those tricky questions from the previous year question papers. It was an exciting journey. I enjoyed teaching to CS students, and I hope that you have also got some valuable insights and skills along the way. If you have found the content informative, valuable, and beneficial, don't forget to hit the like button. And if you haven't subscribed already, please subscribe to the channel for more educational content. Your support means the world to me. This isn't the end. I will be back with more exciting content. Until then, keep practicing and more importantly, keep passion alive and stay healthy. Thank you for joining me on this incredible ride. See you in the next video.